जी बेटा, कल हमारा देहाती और शहीदगी का चैप्टर जो था उसकी रीडिंग भी मुकम्मल हो गई थी और मश्क भी हो गई थी। तो आज हम वर्कबुक के ऊपर इसका काम करेंगे। अपनी वर्कबुक निकालिए, वर्कबुक पेज नंबर 12। मेरे साथ साथ बेटा आप लोग अपनी बुक मुकम्मल करते चले जाएं। अल्फाज बानी है सबसे पहले, इस्तकबाल खैर मकदम या खुश आमदीद कहना, आलूदा गंदा बासी मकीन, तातीलात छुट्टियां, तमद्दुन रहन सहन, दम निकलना मर जाना, दू भर मुश्किल, मयस्सर दस्तयाब, धान चावल की फसल, ढोर डंगर मवेशी, जर निगार सुनहरी काम, फिराक अंजुमन महफिल से जुदाई, काबिल रश्क तारीफ के काबिल, कवि मजबूत, मुरगन घी में तली हुई, मुफीद फ़ायदेमंद। बेटा बुक के अंदर अपने तमाम अल्फाज के मानी नोट कीजिए। अंसा हुसैन और तहरीन खलीक, बेटा आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। जी बेटा, अंसा हुसैन, बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपने कुछ पूछना है? अंसा हुसैन, अगर बेटा आपको पता नहीं है वैसे ही हैंड रेज, प्लीज इसको डाउन कर लीजिए। जी तहरीन खलीक। जी बेटा अंसा, जी मिस मैंने कहना था गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तहरीम, जी तहरीम। टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। टीचर मैंने पूछना था कि बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज, समझ नहीं आ रही बात। जी बेटा अल्फाज मैंने लिख लिया आप लोगों ने। अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर एक है, अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए? तो इसका जवाब है, जवाब का लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा, अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गाँव आए थे। सवाल नंबर दो है, गांव की फिजा कैसी थी? गांव की फिजा हरी भरी और साफ सुथरी थी। सवाल नंबर तीन है, देहात में रहने वाली अक्सर खवातीन मोटी क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है, देहाती खवातीन सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती हैं। इसके अलावा वो खेती बाड़ी में मर्दों का हाथ भी बटाती हैं, इससे उनकी वर्जिश हो जाती है और वो मोटी नहीं होती। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोग बेटा अपनी बुक पे लिखिएगा, और जो काम भी आप करते हैं प्लीज़ उसको भी अच्छी राइटिंग में करें। जिन बच्चों का काम आया अभी तक बेटा राइटिंग उर्दू की, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की हुई। सिर्फ काम सबमिट कराने का ये मकसद नहीं है,
कि जिस तरह का भी दिल चाहा नहीं चाहा आप गंदा सा लिखकर भेज देते हैं, तो बेटा बहुत बुरी बात है। आप लोगों ने ये जो काम लिखना होता है ये आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप गंदी राइटिंग में काम लिखकर भेजेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग ख़राब हो रही है। तो अब लॉकडाउन में बेटा ये तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि जो काम हम आपको देते हैं आप उसको अच्छी राइटिंग में दिल लगा कर किया करें। सिर्फ गले से उतार देना और उसको लिख कर हमें भेज देना जो है ये इस काम का मकसद नहीं है। इस काम का मकसद ये है कि आप लर्निंग करें और लर्निंग करने के बाद आप बिल्कुल ऐसे लिखें जैसा कि आपको क्लास में टीचर कहती है कि आप काम करें। उस तरह से आपने लूज शीट के ऊपर काम करना है। तो फिर इस काम को करने का पूरा मकसद जो है वो होता है पूरा कि क्यों हमने आपको ये काम घर से लिखने के लिए दिया है। बिला वजह आपको मसरूफ़ रखने के लिए नहीं दिया बेटा, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट आए उसमें, इसलिए आपको घर से लिखने के लिए ये काम दिया जाता है। जब स्कूल में आप आते हैं तो आप स्कूल में बुक पे काम करते हैं, और घर में जब टीचर कहती है कि प्रैक्टिस करके लाएं घर से तो आप उसको अच्छे तरीके से करके आते हैं। तो इसी तरह इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास में आपको टाइम देती हूँ कि आप अपना बुक वर्क समझें। आपका स्कूल का टाइम इस वक्त 12 बजे स्टार्ट होता है, तो आप अपना बुक वर्क अपनी ऑनलाइन क्लास में ख़त्म किया करें, और जब बाद में आपको फारिग टाइम मिलता है तो उसमें आप अपनी लूज शीट के ऊपर अच्छे तरीके से प्रॉपर, बच्चे क्या करते हैं सवाल भी पेन से लिखे हैं, हेडिंग्स भी इंक पेन से लिखी हैं, और उसी से आप लोग जवाब लिख देते हैं। बेटा ये काम करने का सही प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर आपने काम भेजना है तो उसको सही तरीके से करके अच्छी राइटिंग में भेजें। उर्दू मार्कर आपने उर्दू की हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करना है लूज शीट के ऊपर। तो आप बेटा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। आप अपनी राइटिंग अगर ख़राब कर लेंगे तो फिर आपकी राइटिंग ऐसे ही गंदी हो जाएगी और आपसे सही जो है ना वो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए राइटिंग अपनी ख़राब मत करें आप लोग बेटा। अच्छी खुशखत, जब मैं लिखती हूँ ना कि खुशखत तहरीर करें, काम को लिखने से पहले आप लोग पढ़ लिया करें कि उस पर नोट क्या लिखा हुआ है। खुशखत लिखने का मतलब होता है कि आप अच्छा सा लिखें जिसे देख कर टीचर का दिल खुश हो जाए। जी आगे देखें, सवाल नंबर 4 है, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उससे क्या नुकसान होता है? इसका जवाब है, ऐसे घर जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचे वहाँ रहने वाले लोगों के चेहरे जर्द और मुरझाए हुए होते हैं। अब जब आप जवाब लिखते हैं तो इसमें बहुत से अल्फाज जो ऐसे होते हैं कि जब इमला में दोबारा मैं आपको लिखवाती हूँ तो फिर आप लोगों की मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए आप लोग याद करके किसी रफ रजिस्टर पे मुश्किल अल्फाज की प्रैक्टिस, जैसे जर्द है, बहुत से बच्चे जो हैं वो जर्द जाल से लिख देते हैं जबकि जर्द जे से है। ये कॉमन मिस्टेक्स होती है मुरझाए हुए। तो ये जो इस तरह के मुश्किल अल्फाज आते हैं तो आप इनकी जब तक लिख कर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते फुल फॉर्मेशन के साथ, तो बेटा फिर पेपर में आपके नंबर कटेंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी लिखने में। सवाल नंबर 5 है, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? बड़े शहरों में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब गाड़ियों का धुआं और शोर है। ठीक है, इसमें दो तरह की आलूदगी बयान की गई है कि एक तो धुएं की आलूदगी जिसे फिजाई आलूदगी की, दूसरी है शोर की आलूदगी, सौती आलूदगी जिसे कहा जाता है कि शोर के साथ गाड़ियों के शोर से इंसान जहनी तौर पर बीमार हो जाता है। सवाल नंबर 6 है, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? इसका जवाब है, मौजूदा देहात में पुराने देहात के मुकाबले में ज़िंदगी की बेहतर सहूलतें मैसर हैं। मैसर हैं यानी कि मिलती हैं। कच्चे मकानात की जगह पक्के मकानात बना लिए गए हैं। कच्चे रास्तों की बजाय पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है। इसके अलावा सेहत और तालीम की सहूलतें भी पहले से बेहतर हैं। मोबाइल फ़ोन तो हर गांव में नज़र आता है। बुक पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में बेटा काम लिखते चले जाएं। सवाल नंबर 7 है, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं?
शहरों में रोजगार और कारोबार के मौके गाँव की नस्बत बेहतर होते हैं। लोग बेहतर तालीम और इलाज मुआवजे के लिए देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। सवाल नंबर 8 है, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? अगर हुकूमत देहात में बेहतर तालीम इलाज मुआवजे और कारोबार के मौके फराहम कर दे तो नकल मकानी के रुझान को रोका जा सकता है। आगे है बेटा, जुमले बनाइए। तरस जाना, दूब हर, माहौल, काम धंधा और नकल मकान। तरस जाना का मतलब है किसी चीज की कमी को शिद्दत से महसूस करना। जी बेटा, जुमले बनाने अब आपने, अल्फाज आपके सामने हैं। तरस जाना का मतलब है किसी चीज की कमी को महसूस करना। दूब हर का मतलब है मुश्किल, ठीक है। माहौल का मतलब है हम जिस जगह रहते हैं वो माहौल। काम धंधा, काम काज जो पेशा होता है वो। नकल मकानी, रिहाइश को तब्दील करना, एक जगह रिहाइश छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल होने को नकल मकानी कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा तरस जाना, अब आप लोग हैंड रेस करेंगे और जुमला बनाएंगे, ठीक है। पहला है तरस जाना। जी तहरीम खलीक, अनम्यूट कीजिए तहरीम, जुमला बनाइए तरस जाना। बेटा जुमलों में तो तमाम बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए, सिर्फ दो या तीन बच्चों को उर्दू आती है। जी तहरीम बेटा, आपका कोई मेरा ख्याल है मसला है आपकी साइड पे, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मुझे आ रही, हल्की सी बस आई जो समझ नहीं आती। शहरों में लोग ताजा हवा को तरस जाते हैं। बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई। जी रेहान अमजद, अनम्यूट कीजिए रेहान। रेहान अमजद बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। महरीन वकास, टीचर मैं शहर जाकर गांव की हरी भरी फिजा देखने के लिए तरसती। बिल्कुल ठीक है कि मैं शहर जाकर गांव की हरी भरी फिजा देखने के लिए तरस गई। रेहान अमजद बेटा आपके भी कोई मसला है आपकी साइड पर, क्योंकि महरीन की आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, मेरी साइड पे कोई इशू नहीं है। और तहरीन की भी आवाज़ नहीं आ रही थी और रेहान अमजद की, आप दोनों बच्चों की आवाज़ बहुत हल्की आ रही थी। आप बेटा अपनी साइड से चेक कीजिए, शाबाश। जी अरफा फैसल, जी अरफा जुमला बनाए तरस जाना का। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी अरफा, हमना खिलौनों से खेलने के लिए तरस गई। हमना खिलौनों से खेलने के लिए तरस गई, ठीक है। लेकिन बेटा किसी चीज की कमी महसूस हो ना, जिसकी कमी हो जाए। अब खिलौनों से खेलने के लिए तरसना जो है, खिलौने तो आपके पास है हमेशा, आप उससे कभी भी खेल सकते हैं। जुमले को थोड़ा जब जी जी
हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। माहौल का बनाया आपने? यस। चलें ठीक है, हमें अपने दिल के माहौल को साफ रखना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तरस जाना कि महंगाई के ज़माने में गरीब शख्स दो वक्त की रोटी को तरस जाता है। ठीक है जी बेटा। अगला लफ्ज़ है दूभर। दूभर का मतलब है मुश्किल। ये मुश्किल किसी चीज़ में मुश्किल को महसूस करना है। ठीक है, अब आपने ये नहीं बनाना कि हिसाब का सवाल करना दूभर है ये वो। ठीक है, ये हिसाब का सवाल बहुत दूभर है, अक्सर बच्चे इस तरह का जुमला बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का नहीं बनाना जी। मोहम्मद मुबशर सजाद जी, मुबशर अनम्यूट कीजिए बेटा। दूभर का जुमला बनाइए। जी मुबशर बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। खदीजा अनम्यूट कीजिए। खदीजा दूभर का जुमला बनाइए। अनम्यूट कीजिए खदीजा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। आमना के घर का ढूंढ अभी बड़ी हमें बड़ी दुख होगी। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, जुमला आपका सही नहीं है जी। निम्रा शहजाद आप बनाइए बेटा जुमला। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा, दोपहर का जुमला बनाइए। मिस ट्रैफिक की वजह से सड़क पर सफर करना दोबर हो गया। बिल्कुल ठीक है, सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक की वजह से सफर करना दूभर हो गया। मिस मिस ये तरस जाने का ये हो सकता है, कहत में जानवर पानी पीने को तरस गए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इबादत अली, इबादत जी जुमला बनाइए बेटा। माहौल का गर्मी के अपने माहौल को जी जी हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये तो बेटा पहले भी एक बच्चे ने बनाया, थोड़ा चेंज कर लें जुमला। गाड़ियों के धुएं और शोर ने हमारे माहौल को आलूदा कर दिया है। ठीक है, दूभर का बेटा ये भी बना सकते हैं कि गर्मी के मौसम में सांस लेना दूभर हो जाता है। ठीक है, आगे है जी अंसा हुसैन। अंसा काम धंधा, से पेशा को इख्तियार करना जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी अंसा। मिस के माहौल का जुमला बनाना है। काम धंधा माहौल का बना दिया, अगर आपने बनाना है तो। मिस काम धंधा का बना देती, गांव में सुबह सवेरे ही काम धंधा शुरू हो जाता है। हाँ धंधा नहीं है बेटा, धंधा काम धंधा। ठीक है, गाँव में सुबह सवेरे ही काम धंधा शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, और कोई बच्चा कौन बनाएगा काम धंधा का जी? महरीन बनाइए बेटा काम धंधा का जुमला। बाकी लोग तो सो रहे हैं मुझे लगता है, कोई रिस्पांस नहीं है सवाए चार पांच बच्चों के, बाकी लोग भी जाग जाए बेटा, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। इर्द गिर्द का माहौल रखने से हम सेहत इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं जी। आगे है नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। नकल मकानी जुमला बनाइए भाई। ईमान आसिफ, ईमान आसिफ एकदम से कहाँ चली गई जी। ऐमन रफाकत बेटा आप बना दे जुमला। ईमान आसिफ आ गई है। ईमान आसिफ जी बेटा अनम्यूट किया आपको, जुमला नकल मकानी। वालेकुम अस्सलाम। मैं काम धंधा का बता दूं और नकल मकानी का बताइए। काम धंधा का बना दें टीचर। टीचर मैं आपसे एक बात करूं, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो काम धंधा लोग काम का ढूंढते हैं ये भी हो सकता है इस बारे में जुमला? जी बेटा हाँ जी बनाए जुमला। लोग काम धंधा ढूंढने की तलाश में इधर उधर फिरते हैं।
हाँ काम मतलब ढूंढने की तलाश में बेटा, कि गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, ठीक है? ओके। ढूंढना और तलाश करना एक ही बात है। ओके। ठीक है जी। नकल मकानी का जुमला बनाइए। एमन रफाकत अनम्यूट कीजिए। एमन, एमन रफाकत जी। एमन लग रहा है एमन प्रेजेंट नहीं है क्लास में जी। निम्रा शहजाद आप बनाइए बेटा जुमला नकल मकानी का। मिस नकल मकानी का गांव के लोग सहूलियात कम होने की वजह से शहर की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है शाबाश। मिस काम धंधा का ये हो सकता है सुबह सवेरे तमाम दुकानदार अपने काम धंधे में मसरूफ थे। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अहमद अयूब, अहमद अयूब नकल मकानी का जुमला बनाइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद अयूब बेटा। नकल गांव के लोग सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। बिल्कुल ठीक है शाबाश। और मिस जी बेटा मिस ये तरस जाने का जुमला ये हो सकता है कैद में जानवर पानी पीने को तरस गए। ठीक है बेटा ठीक है जी। सेवन क्लास बेटा आपकी क्लास का टाइम अब खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम आगे जो है अपना अगला काम करेंगे। कल हम इमला करेंगे और खुलासा जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा तो ओके अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल अगली क्लास में मुलाकात होगी।